लेट जाओ बहुत अच्छा भगवान बताया, कोई बात नहीं, हिम्मत रखना। भगवान की बहुत अच्छा, हो गया। एक बड़ा खराब टाइम था, निकल गया, बहुत खराब टाइम था। सब हो जाएगा। महाकाल मंदिर में सवेरे भस्म आरती के समय गुलाल का प्रयोग तो वर्षों से किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ आज गुलाल की जो आरती की थाली थी उस पर गुलाल गिरने से आरती पलटी, और आरती पलटने के साथ जो अंदर हमारे सोले में पुजारीगण रहते हैं, बाकी सेवकगण रहते हैं, वो उसमें घायल हुए हैं। भगवान के आशीर्वाद से बड़ी घटना होने से बची है, लेकिन जो भी घटना हुई वो भी बहुत दुखद है। मैं सभी घायलों से मिलने यहाँ आया हूँ, और यहीं हॉस्पिटल में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी फोन गरीब मरीजों के हालचाल पूछने के लिए आया। माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी घायलों की संवेदनाओं के लिए, उनकी जानकारी देने के लिए उनका फोन नहीं आया है। मैंने उनको बताया है कि स्थिति कंट्रोल में भी है, और एवरेज 30-40% के आसपास गुलाल में शरीर दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये चुनौती है। और मैं चिकित्सा विभाग से जिन्होंने बहुत मेहनत करके योग्य प्रकार की चिकित्सा भी की है, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर की यहाँ पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, माननीय तुलसी सिलावट जी हमारे मंत्री जल संसाधन जी यहाँ मौजूद है। परमात्मा ने बड़ी घटना होने से बचा लिया, इस पूरी घटना की जाँच के आदेश हमने दिए हैं। जो भी कोई पहले तो इसमें ये सदन भी दिख रहा है कि घटना में कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन कोई भी स्थिति होगी जांच में स्पष्ट होगा। जो भी दोषी अगर पाया गया तो कठोर कार्रवाई करेंगे, प्रबंधन करें, अगली बार ऐसा घटना न घटे। ये बात सही कि त्यौहार मनाने की परंपरा पहले से ही है, और गुलाल डाल करके गुलाल में अभ्रक था या क्या हो गया, क्यों भपकी, ये जाँच का विषय, कोशिश करेंगे जाँच। बहुत धन्यवाद।